ਭਾਈ ਉਧਰ ਐਸਐਚ ਹੋਣੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਉਧਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਏ ਆ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾ ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਈਂ ਕੀ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੇ ਐਸ ਆਈ ਰੈਂਕ ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਐਸ ਆਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ अज इंसानियत उस समय एक बार फिर शर्मसार हुंदी नजर आई जदों खेत विच एक 7 साल दी मासूम लड़की दी लाश मिली। जलंधर दे पिंड हजारा विच एतवार दे सवेरे उस समय सनसनी फैल गई जदों खेत विच 7 साल दी लड़की दी लाश मिली। मृतक दे परिवारिक मेंबरां दे मुताबिक कुड़ी 2 दिन पहला घरों गायब हुई सी। उन्हां नूं शक है कि उस नाल जबर जनाह होया ते उस तों बाद उसकी हत्या की गई है। उन्होंने दस्सिया कि 2 दिन पहला उन्हां दे गवांढ दे रहण वाले 25 साल दे एक व्यक्ति ने उस नूं बिस्लाह फुसला के अपने नाल लै गया सी। पहले दिन जदों उस तो पूछा गया तो उसने दस्या कि उसने लड़की नु घर छड़ दिता है, पर 2 दिन तक जदो लड़की ना मिली ता वह व्यक्ति भी गायब हो गया, जिस तो बाद 2 दिन बाद लड़की दी अर्थी खेत विच मिली। हमारा हमारा फूलन सिंह सर, क्या बात क्या हुआ था? बात उससे मेरा कुछ नहीं हुआ था, लड़ाई जरा कुछ नहीं हुआ था। मैं काम पर गया था, 2 बजे मेरा फोन आया था कि तेरा बच्चा को लेकर भाग गया था। वो लेकर भाग गया संतोष ने, वो लेकर भाग गया उधर गन्ना है, पता नहीं चला तो कैमरा में पता चला उधर लेके गया है। तब बराबर और सारे फोन किया अच्छी किया, तब सारे को आया ढूंढ के कर भर रात, सारे रात 2 दिन तक उधर खोजता नहीं मिला, फिर आज मिला गन्ना खेत में बच्चा मेरा। वो संतोष था, क्या रिश्तेदार था? मेरा रिश्तेदार ने वो इसका रिश्तेदार था सर, इसको सलाह था, यही रहता यही ग्राउंड में रहता था, यही रूम में रहता था सर, इसी रूम में। तो अभी पुलिस डेड बॉडी लेके आई है सिविल कोर्ट? हाँ जी हाँ जी सर। क्या आश्वासन दिया हुआ अभी? क्या उसको पता होगा सर, मेरे को नहीं बताया अभी, किसको? पुलिस वाले के। अभी क्या बताया, क्या है आपको संस्कार अभी करना है? वो बोलता है अभी करो। अच्छा क्यों बोलता है अभी करो, कल बिहार चलो। वो बोलते हैं सर कि डेड बॉडी बहुत टाइम हो चुका है लाश को, उसको अब दे दे जलाना चाहिए, खराब हो। समय है, रात होने वाली है, अभी 6:30 का टाइम हो चुका है, तो अभी ये संस्कार कैसे होगा? अब सर अब हम क्या बताएं आपको, अब पुलिस वाले बोल रहे हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम लोग गरीब आदमी है, खाने कमाने वाले आदमी है, हमको उतना पता नहीं है। आप क्या लगते हैं? मैं लड़की का मौसा लगता हूँ। मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी वो डेड बॉडी छोड़ गया तो पुलिस वालों ने आपको बात की आपसे? अगर वो कह रहे इतना टाइम हो गया, वो तो ऐसे छोड़ के जा ही नहीं सकते सर। उन्होंने देखिए, उन्होंने बोला कि शमशान घाट सीधा लेकर चले जाओ। अब हमारा परिवार सब यहाँ है, हम कोई उसका गैर तो थोड़ी है, हमने कोई खून थोड़ी किया, हम चुपे जाके कहीं पर जला देंगे। अब हमको तो अगला का जवाब देना होगा ना। देखिए सर, डॉक्टरों ने तो मुझे स्पष्ट नहीं बोला है, मुझके पूरा राय भी नहीं दिया है, बस वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ है, बस बस वही उतना ही पता है हमको। और उसके बाद कितना टाइम में मौत हुआ, क्या हुआ, कैसे मौत हुआ, उसका हमको कुछ भी नहीं बता पाता मालूम है। नहीं सर, डेड बॉडी छोड़ने के बाद हमारी कोई बात नहीं हुई है पुलिस वाले से। देखिए सर, अब हम क्या आपको बताएं, अब तो जो मरने वाला था वो मर ही गया है, अब वो वापस तो आएगा नहीं। विधि विधान से हिसाब से नहीं जी जी, वो तो बात सही है जी। नहीं सर, हम तो रीति रिवाज के साथ ही जाएंगे, जो हमारा धर्म है हम धर्म के साथ ही जाएंगे ना। पुलिस आरोपी के बारे में क्या कह रही है? आरोपी के बारे में सर यही बता रही है कि हमारे तरफ से पूरा कोशिश किया जाएगा, हम कल बिहार भी जाएंगे उसको खोजने के लिए, बाकी इधर कार्यवाही चालू है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिंता है, मिंता देवी। तो कैसे हुए हादसा? हमने सर काम पर चल गए हैं, खेत में काम करने के लिए, आलू पटने के लिए, मेरा कुरी घर में था। अनिल नाम को बंदा बोला चलो तुमको चॉकलेट देंगे, बिस्कुट देंगे, तुमको साइकिल पर घुराएंगे। मेरा कुरी बोला मैं नहीं जाएंगे, मेरा मम्मी मारेगा, मैं जाएंगे तो घर छोड़ के। मेरा मम्मी बोला घर छोड़ के जाने के लिए नहीं, बोलता तेरे मम्मी नहीं बोला मारेगा, तेरे मम्मी बुलाया तुमको खेत में, तुम चलो।
तो मेरे कुड़ी को बोलता है चॉकलेट देंगे बिस्कुट देंगे, चलो मेरे कुड़ी को साइकिल पर बांह पकड़ के उसको चढ़ा लिया। कौन लेके गया? संतोष ले गया। संतोष कौन है? संतोष अनिल को साला है। अच्छा, वो लड़की को लेके गया? वो लड़की की साइकिल पर बैठा को ले गया। तो आज कैसे पता चला आपको आपकी लड़की इधर है? तो हमने काम पर था 2:30 बजे चला आधे बेला काम कर को, तो सारे ने आना बच्चा बोला तेरे कुड़ी को बंदे ने चाक के ले गया, तेरे कुड़ी नहीं जाता सी। वो उसने बोला कि संतोष जब उधर बाकी 2:30 बजे लौट के आया वो, तो बोले मेरा कुड़ी कहाँ पाजी? बोलता तेरे कुड़ी के मैं तेरे रूम पर छोड़ दिया चॉकलेट बिस्कुट दे के। हमने बोला मेरा तीन कुड़ी यहाँ पर है, तीन बच्चे यहाँ पर है, मेरा एक बच्चा कहाँ चले जाएगा? वो होशियार चलाक बच्चे है वो। बोलता मैनू नहीं पता तेरा कुड़ी कहाँ गया नहीं गया। वो उसको जीजा बोलने लगा कि इसको पकड़ने क्यों लगा, पहले तो अपना कुड़ी खोज लो फिर हमारा साला तुम फरना पकड़ना। तो लेके गया आपकी जान पहचान का था? क्या नाम क्या है बच्ची का? बच्चे का नाम हमारा सुनीता है। उम्र कितनी है उसकी? 7 साल, 7.5 साल। तो कहाँ से मिली सुनीता आज? आज गन्ने खेत से मेरे सुनीता मिला। पहले सरदार ने उसको देखा तो यहाँ आके बोला कि लहास पड़ी है गन्ने खेत में कुड़ी के, तब हम लोग गए तो उठा को सरदार ले गया पोस्टमार्टम कराने के लिए, वो उसको गाड़ी पर बैठा के। तो पुलिस आई थी मौके पर? हाँ, पुलिस को 7 लाश मिला है, पुलिस भी था। उधर पुलिस अधिकारी ने दस्या कि लाश नु कब्जे विच लेके जलंधर दे सिविल अस्पताल विच पोस्टमार्टम लई भेज दिता गया है। देर शाम तक पोस्टमार्टम तो हो गया है पर उसकी रिपोर्ट हले तक नहीं मिली। उधर ऐसा तो होने है, देख लो जा। नहीं मेनू नहीं पता। नहीं जी, मैंने कुछ नहीं। मेरी कितने भी हो गए तुम पता लगे तुम बैठे आए हो मौका वारदात पे आए हो की कर रहे हो? अहीं ते आए हैं, उधर और पासे आए हैं। मौका वारदात ते डेड बॉडी तुसी लेके आए हो? अपनी सर अपने साथे अहीं नहीं लेके आए, अहीं ते अपनी गड्डी जाए हैं। प्राइम मुदेली जलंधर तो पुनीत अरोड़ा की रिपोर्ट।